प्रीवियस लेक्चर में कुछ इस तरह का टेबल हम क्रिएट किए। अब इस लेक्चर में हमें इस टेबल को कुछ स्टाइल देना है। अगर मान लीजिए कि इस टेबल का विड्थ और हाइट सेट करना हो, बैकग्राउंड कलर सेट करना हो, तो कैसे करेंगे? तो आइए सबसे पहले हम इसका विड्थ और हाइट सेट करते हैं। तो विड्थ हाइट सेट करने के लिए यहाँ टेबल टैग में आना है और यहाँ पर हमें कुछ एट्रीब्यूट सेट करने हैं। तो यहाँ पर हमें विड्थ और हाइट सेट करना है। तो यहाँ पर विड्थ लिखना है और इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर हमें वो वैल्यू देना है जितना अपने टेबल का विड्थ सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू परसेंट या पीएक्स में, पिक्सल में दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू देंगे वो पीएक्स में देंगे, तो 960 PX कर देते हैं इसका जो विड्थ है। और हाइट जो है, हाइट इसका 288 PX कर दे रहे हैं। और कंट्रोल एस टू अगर सेव कर कर रिजल्ट देखे तो कैसा आएगा? तो विड्थ और हाइट यहाँ पर सेट हो गया है। अगर मान लीजिए कि इस टेबल को सेंटर में लाइन करना है तो क्या करना होगा? तो सेंटर में लाइन करने के लिए यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट सेट करना है। अलाइन इक्वल टू डबल कॉमा के अंदर सेंटर, और सेव कर कर देखेंगे तो ये देखिए ये सेंटर में अलाइन हो गया। अब अगर मान लीजिए इस पहले वाले रो का बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना है और इसको हेडिंग टाइप में शो कराना है, क्योंकि अभी तो ये पहचान में आ नहीं रहा है कि ये जो दीपक प्रियांशु जो ये सब है डेटा ये किसके अंडर में है। तो अगर इसको हेडिंग टाइप में शो कराना है तो हमें क्या करना होगा, और इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो क्या करना होगा? तो हेडिंग में शो कराने के लिए जो यहाँ पे हम टीडी लिखे हैं उसको टीएच कर देना है। टीएच मतलब टेबल हेडिंग। तो यहाँ से हम इसको टीडी से टीएच कर दे रहे हैं, टीएच एंड टीएच, टीएच ओपन और टीएच क्लोज, टीएच 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 एंड टीएच। अब इस जो ये रो है इसका बैकग्राउंड भी हमें सेट करना है, बैकग्राउंड में कलर सेट करना है। तो बैकग्राउंड में कलर के लिए हम टीआर में आते हैं और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर, वो सेट करते हैं। बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर होता है। इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर हम एक कलर कोड लिख दे रहे हैं, हैज CC4410। कंट्रोल एस टू सेव और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए जब हम टीडी कर दिए तो ये ऑटोमेटिक जो है ये थोड़ा बोल्ड हो गया है टेक्स्ट और सेंटर में अलाइन हो गया है। और जो हम टीआर में बैकग्राउंड डिफाइन किए थे वो बैकग्राउंड इस टीआर पे अप्लाई हो गया है। तो अब ये लग रहा है ये हेडिंग है और ये जो टेक्स्ट है इसके अंडर में आ रहा है। तो अगर ये कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे आकर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हम पिंक देना चाहते हैं, पिंक देना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट पिंक लिख दीजिए। और ये देखिए पिंक यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अगर वैसे ही हर टीआर मतलब हर रो का बैकग्राउंड चेंज करना हो तो क्या करना होगा? तो कुछ नहीं करना है, बस हर जिस टीआर में बैकग्राउंड सेट करना है उस टीआर में आना है और बैकग्राउंड बीजी कलर लिखना है और वैल्यू दे देना है, जो कलर आप चाहते हैं वो कलर दे सकते हैं। हम यहाँ पे कलर कोड लिख दे रहे हैं, कंट्रोल स्पेस, देख लेते हैं कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो ये देखिए जो हम कलर कोड लिखे वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो हम ये कलर और भी रो में अप्लाई कर दे रहे हैं एक एक छोड़कर, जैसे कि यहाँ पर हम अप्लाई कर दे रहे हैं फिर रहने दे रहे हैं और कंट्रोल एस टू सेव। और ये देखिए ये तो हो गया, रो में बैकग्राउंड पे कलर लगा दिए। अब अगर बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो हमें क्या करना है?
बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए यहाँ टेबल में आना है, और यहाँ पर बॉर्डर कलर एक एट्रीब्यूट है उसको सेट करना है। बॉर्डर कलर इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमास। अगर मान लीजिए हम बॉर्डर कलर रेड रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रेड वैल्यू दे देंगे, तो कंट्रोल एस टू सेव कर लेते हैं और ब्राउजर में आके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए जो बॉर्डर कलर है ये रेड में चेंज हो गया है। अब है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। अगर हर सेल में स्पेसिंग और पैडिंग चाहिए तो क्या करना होगा, यहाँ पे आकर हमें सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग इक्वल टू 5 कर दे रहे हैं और सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश नहीं किए हैं, तो ऐसे है अगर सेल स्पेसिंग अगर इस पर अप्लाई होगा तो कुछ ना कुछ इस पर चेंजिंग होगा, तो आप खुद देख लीजिए हम रिफ्रेश कर रहे हैं। तो ये देखिए ये जो है ये जो कॉलम में जो स्पेस है वो थोड़ा सा 5 हम वैल्यू दिए थे उतना वैल्यू यहाँ पे अप्लाई किया है, और हर कॉलम में उतना स्पेस ये ले लिया है, तो हर कॉलम थोड़ा थोड़ा स्पेस बना लिया है। अब सेल पैडिंग देखते हैं, सेल पैडिंग क्या होता है। तो ऐसे हमें सेल पैडिंग इक्वल टू इसको अभी हम 5 दे रहे हैं और सेव कर रिजल्ट देखते हैं। तो अभी हम रिफ्रेश नहीं किए हैं तो ऐसा रिजल्ट आ रहा है, और रिफ्रेश करके इसका रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए रिफ्रेश किए तो अपना ये सेल पैडिंग भी मैनेज कर लिया, ठीक है। अब कुछ ये अच्छा लगने लगा है टेबल। इसमें अगर मान लीजिए कि टेबल में इमेज लगाना है तो क्या करना होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टेबल में इमेज इंसर्ट करना और लिंक इंसर्ट करना सीखेंगे।